राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा है। राजे ने खत में सरकार के कामकाज को लेकर नहीं बल्कि एक सहायता का जिक्र किया है। सोडाला एलिवेटेड पर हुए सड़क हादसे को लेकर पूर्व सीएम राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर मृतक के परिजनों को सहायता देने की मांग की और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर माडाराम देवासी की पारिवारिक स्थिति का हाल बताया है। राजे ने लिखा, शुक्रवार को पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए पाली निवासी माडाराम देवासी की सोडाला में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। श्री माडाराम के परिवार की आजीविका केवल पशुपालन पर निर्भर है। परिवार की दयनीय स्थिति के बावजूद स्वर्गीय माडाराम के बड़े भाइयों ने जमीन बेचकर उसे पढ़ाया। माँ ने कोचिंग के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन इस दुखद हादसे ने उन सबके सपनों पर पानी फेर दिया। इस हृदय विदायक घटना ने परिवार की खुशियों के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी छीन ली। पूर्व सीएम ने अपने खत में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति सघन जन जागृति अभियान चलाने का भी सुझाव दिया। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने पाली से जयपुर आए माडाराम की मौत 6 नवंबर को सोडाला एलिवेटेड रोड पर हुए हादसे में हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि ऑडी कार की टक्कर से उछलकर माडाराम एक मकान की छत पर जा गिरे थे। इस भीषण हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। गौरतलब है कि ये तेज रफ्तार कार नेहा सोनी नाम की एक महिला चला रही थी। इस हादसे के बाद 2 दिनों तक परिजनों ने माडाराम का शव नहीं लिया था। बाद में लोगों के समझाने पर रविवार को परिजन शव लेकर अपने गाँव गए थे।